नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आजमगढ़ में शांतिपूर्ण मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थलों का निरीक्षण जिलाधिकारी आजमगढ़ और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मतगणना शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराने का प्रशासन का इरादा है और इसी के तहत जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और मैं खुद हर मतगणना स्थलों का जायजा ले रहा हूं। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। 8 मतदान केंद्रों पर आज सुबह मतगणना की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जो कमीशन के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार, जिसमें हमारे पीएसी के जवान शामिल हैं, बीएसएफ के जवान शामिल हैं, सिविल पुलिस है और एक 200 मीटर का एरिया बनाया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की किसी वाहन की एंट्री नहीं है और हर आदमी जो आ रहा है उसको फ्रिस्क करके अंदर भेजा जा रहा है। मोबाइल की अनुमति नहीं है और जितने भी प्रतिबंधित सामान है कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, सबका अनुपालन कराया जा रहा है। सुबह से अब तक एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना है वो चल रही है। इसमें सादे कपड़ों में भी पुलिस बल लगाया गया नज़र रखने के लिए एजेंट्स पे, अगर उनमें कोई इस प्रकार का है जो कोई दिक्कत पैदा कर सकता है उसको पहले से चिन्हित करने के लिए, और ड्रोन के माध्यम से भी संवेदनशील एरियाओं में निगरानी की जा रही है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से मतदान को मतगणना किसी प्रकार का कोई विजय जुलूस अलाउड नहीं है और ये सभी को बता भी दिया गया है कि आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हुआ है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन स्पष्ट है, कोई विजय जुलूस अलाउड नहीं होगा। धारा 144 का अनुपालन पुलिस प्रशासन पूर्णतः कराएंगे और इसके लिए सभी थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित कर दिया गया है। जो प्रत्याशी हैं उनको वापस घर तक ले जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी इंश्योर कर दी गई है, वो उसकी एक अलग से बुकलेट तैयार की गई है। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को संपन्न कराएंगे।